हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y75 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज। ठीक है, इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। अब ये पेज ओपन होगा आपका होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का। इसमें आपका जो है ना, पहले से डू नॉट डिस्प्ले के सामने वाले सर्कल पे आपका टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग जो है ना पहले से डिसेबल होगी। अब इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, डू नॉट डिस्प्ले के ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, डॉट और नंबर। डॉट या नंबर के सामने जो सर्कल दे रखे, इन दो डॉट या नंबर में से आपको किसी भी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑन हो जाएगी। देखिए, मैं इसे डॉट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सेटिंग आपकी ना इनेबल हो जाएगी। अभी देखिए, सेटिंग इनेबल होने के बाद काम कैसे करेगी। आपके मोबाइल फोन में जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा ना, तो जिस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा उस ऐप के ऊपर आपको डॉट इस तरीके से लगा हुआ दिखाई देगा। देखिए, इस पे रेड कलर का डॉट है, इस पे येलो है, इस पे व्हाइट है। ठीक है, और ये बैक पेज पे इस पे ग्रे कलर का डॉट है। ठीक है, तो इस तरीके से सेटिंग काम करेगी आपकी इनेबल होने के बाद। अब मैं आपको है ना ये भी बता देता हूं कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है ना, आपको इसे फिर से ओपन कर लेना है। ठीक है, इस सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन दिखेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज। ठीक है, जो सेटिंग का नेम है ना, यहाँ पर आपको पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का। जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।